के प्रोग्राम में हमारा मुद्दा क्या है पहले वो दिखाते हैं। सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए, मुखस्वी हमारे। सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, हल जिहाद। तुम्हारी ये गवर्नमेंट हमारी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, कैमरा ऑन मातम चालू, कैमरा बंद मातम बंद। जो बच्चे कैमरा ऑन होने पर पत्थर फेंका करते थे, कैमरा ऑफ होते ही वो गायब हो जाते। 650 कश्मीरी पंडितों के कत्ल पर क्या लाखों कश्मीरी मुसलमानों के कत्ल को फिल्म में किया गया है नजरअंदाज? 13 मार्च को कश्मीरी फाइल्स के नाम से एक फिल्म हिंदुस्तान भर में रिलीज और इसने सिनेमाघरों में धूम मचा दी। फिल्म 90 की दहाई में शूरिश के दौरान झलकने वाले कश्मीरी पंडितों के हालत इजार पर रोशनी डाल दी, मगर उन लाखों कश्मीरियों का क्या जिन्होंने तब से आज तक लाखों कुर्बान किए? क्या इस फिल्म में कश्मीरी मुसलमानों का खून नाहक फरामोश किया गया? फिल्म रिलीज के फौरन बाद फिल्म ने सुर्खियों में आना, बहुत से लोगों ने इसे वादी में शूरिश की हकीकी नुमाइंदगी करा। फिल्म जहां पंडितों की हालत इजार को मद्देनजर रखती है, वही ये कश्मीरी मुसलमानों के दुखों के साथ नाइंसाफी करती है, क्योंकि दुश्मन ने हर उस शख्स पर वार किया जिसने मुल्क से वफादारी की कमी। जहां सरकार कश्मीर में अमन के लिए दिन रात काम कर रही है, वही इस मोड पर ऐसे हसास मसाइल पर मबनी फिल्म वादी और बिलूम हिंदुस्तान में इंतजार को मजीद फैला सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोस में देखा गया है कि लोग सिनेमाघरों के बाहर रैली निकाल रहे हैं और जय श्री राम और दीगर नारे लगा रहे हैं।